ये देखो आज मंडी पूरा ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखो ये पॉट के टुकड़े टुकड़े। और मेरा बेटा मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं पा रहा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट। आज तुम्हें बताया तीन चार दिन से लाइक हम लोग घर में इधर से उधर कर रहे हैं, उधर वाले घर में, तो यहाँ पे ना सफाई नहीं हो पा रही है, बहुत गंदा हो रखा है, हर चीज़ ऐसी मेस्ड अप हो रखी है। तो आज मैंने मोंटी को स्पाइडर मैन बना रखा है, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखो आज मोंटी पूरा ऊपर चढ़ी हुई है क्योंकि चिमनी और ये बॉक्सेस, इसमें से ऑयल ऑयल जम जाता है ना, पूरा गंदा हो रखा था। और मेरी इतनी हाइट नहीं है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ, तो मैंने आज उसके ऊपर मोंटी को चढ़ा के वहाँ की पूरी सफ़ाई देख लो कितना क्लीन कर दिया उसने। अभी वो ये भी साफ करेगी क्योंकि देखो इसमें भी दाग दाग दिख रहे होंगे, फ्रिज भी गंदा हो रखा है, यहाँ देखो चिमनी का ये सारा कुछ मैंने खोल रखा है। क्या फिसल रहा? ये जमीन। हाँ, क्योंकि पूरा स्लिपरी कर दिया तूने, इतना ज्यादा नीचे गीला गीला। तो क्या करूं, वहां पे तो स्पेस भी था। जितना माटी क्या लगी रहे। तो गाइस मुझे एक तुम्हें बात बतानी, मोंटी जहाँ एक अच्छा काम करती है वहाँ 100 बुरे काम भी करती है। उसमें से एक इसका नया नया कांड है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बट अभी मुझे हंसी आ रही है, हंसी भी नहीं आ रही पर हंसने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस बहन ने जो पॉट अपने ही बच्चे को मार दिया मैंने। इस बंदी ने जो पॉट लगी रहती थी ना, ये वाला मेरा है, आज सुबह पोछा मारते टाइम तोड़ दिया। देखो देख रहे हो तुम, इधर आ चुका है। ये देखो ये पॉट के टुकड़े टुकड़े और ये पौधा ना रहा है। मत दिखा रहे हटिया से। घर पैसे मेरे बर्बाद हैं, मेरा जब से घर में आई है तब से नुकसान पर नुकसान करे जा रही है। जब शुरू में आई मेरा आईफोन का चार्जर तोड़ दिया, जब मैंने इसको डांटा तो बड़ी लेके आ जाऊंगी, आज सुबह सुबह हेल्प कर रही थी और फिर पॉट तोड़ दिया, फिर मुझे गुस्सा आया, लेके आने की बात नहीं होती, लाइक मैं भी आ सकती हूँ दोबारा, बट पैसा लगता है ना उनमें, वेस्ट हो गया हो। हाय बेबी। तो मैं जस्ट अभी बगल वाले घर से आ रही हूँ क्योंकि अभी तक मौसी के रिलेटिव लोग आ रखे थे हमारे घर पे, तो खाना पीना, और वो लोग हॉस्पिटल से भी लेट में आए। आजकल हॉस्पिटल स्टोरी चल रही है तो वही सब चल रहा है घर में, मैं क्या करूँ। तो अभी जस्ट 4 बजे मैंने खाना खाया क्योंकि इतना ही टाइम हो गया था, और अभी मैंने तुम्हें बताया था हमारे घर के बगल में फंक्शन है तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है क्योंकि सब लोग जाते हैं, उन्होंने बोल रखा है तो नहीं जाएंगे तो वो भी दिक्कत है। तो मम्मी कह रही है तू ही चली जा, तो मैं अभी रेडी होती हूँ वहाँ के लिए, और क्योंकि वहाँ पर अभी संगीत है तो संगीत में जाना है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से धूप भी बाहर इतनी तेज है, और धूप भी यहाँ इतनी लेट में जाती है, करीबन 6:30-7 बजे यहाँ पे धूप जाती है, तब तक तो फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए धूप में ही जाना पड़ेगा। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ रेडी होके। ओके तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी लिफाफा बगल में रखा हुआ। अभी मेरे को लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा लेट हूँ वहाँ पर क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट रेडी हुई हूँ क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए। और गर्मी इतनी हो रही है अभी से मुझे स्वेटिंग होने लगी है। चलो मैं चलती हूँ, बाय द वे मैंने साड़ी पहनी है, ठीक है? और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ये देखो, ठीक है? ये मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, वो भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कमेंट करके बताना। ओके बाय बाय। और कुछ ले जाना चाहिए? और तो कुछ नहीं जाते शायद। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ लेडीज मंडली में, इससे पहले मैं अपने मोहल्ले में नहीं गई हूँ ऐसी मंडली में, अभी जा रही हूँ। और मुझे ये भी, हाँ गेट खोलो, मुझे तो ये मुझे ये भी पता नहीं है गाइस कि साड़ी पहन के ही जाना था या सूट पहन के, मैं ओवर ड्रेस तो नहीं हो गई? चलो जो भी है मैं भी चल लेती हूँ। आओ, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा हिल्स में, ठीक है गाइस मैं निकलती हूँ वरना मैं गिर जाऊंगी इधर।
बांधने पड़ रहे हैं। अभी हम भी जाएंगे ना डांस करने, हम भी जाएंगे डांस करने। देखो लाइट की वजह से कितने सुंदर आ रहे हैं। दीदी देखो मजा आ रही है, बहुत मजा। और अर्चना जी बताइए फिर कैसे लग रही है आपको पकौड़ी? आप जैसे पूछ रहे हो जैसे इंटरव्यू नहीं ले रहे, ठीक है क्या? अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कमी पेशी खा लू ना आपके स्वास्थ्य से। पानी दे ऊपर से, दे सुमन उसको पानी ऊपर से। आपका पड़े खा के हम जाएंगे घर, ठीक है? पकौड़ी भी अच्छी हो रही है। क्या जब मैं नाचती बनाया मैंने पक्का। हाँ क्या बोले, हमको हमारी उम्र के आंटी बोलते भाई, कोई कोई मेरे को भी आंटी बोलते हैं, मैं तो खुशी खुशी ले लेती हूँ। खुशी खुशी लेते हैं भाई, हमको तो दादी बोलो। वो थोड़ी है, पर हम कॉलोनी के हैं तो तब बाकी कोई बाहर का बोले तो आंटी कह रही है। तो मेरे को आंटी कह रही है दीदी बोलो, ठीक है? अब से ये सबकी दीदी है, भले इधर से लाइट नहीं आ रही। सुमन जी आप वो कर रहे हो क्या, जन सेवा? तो गाइज अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरा बेटा मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं पा रहा। वो मुझे पहचान पा रहा है बट वो देख रहा है मम्मा आज ऐसे कहाँ गई थी तैयार होके, है ना? मम्मा तो मेरी मुंह भी नहीं धोती है, हंस रहे है। अच्छा तुझे सुंदर लड़कियां पसंद है ना, अब से मम्मा ऐसी रहेगी फिर, ठीक है? चलो गाइस, हाँ नहीं आया प्रकाश को, नहीं आया मैं, कहाँ से आएगा? अभी तो 3-4 दिन बाद ही आएगा। तो ठीक है आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी सास मेरे सब्सक्राइबर गिनती रहती दिन भर, ठीक है गाइज? मैं अपनी सास को समझाती हूँ कि 1.2 कितना होता है। बाय।